चिकित्सा सचिव के पीछे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर हेमचंद्र साहब, माननीय कुलपति महोदय के पीछे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधिगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मीडिया प्रोफेशनल्स उपस्थित हैं। मैं आप सभी का उत्तराखंड हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में न्यूज 18 से दीपक भट्ट जी हैं। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से श्रीमान दीपांकर भट्ट जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और साथ ही सभी पत्रकार बंधुओं का आज के इस दीक्षांत समारोह को। जैसा कि मैंने जिक्र किया, कोरोना वायरस से फैली कोविड-19 की चुनौतियों के बीच में आज का ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ऐसे में जो WHO और ICMR के जो मानक हैं, उन्हीं के अनुरूप विद्यार्थियों को सीमित संख्या में आमंत्रित किया गया है। हमारे बीच में अमर उजाला से अमर उजाला के प्रतिनिधि उपस्थित हैं, दैनिक जागरण के
हिंदुस्तान के, राष्ट्रीय सहारा के सभी समाचार पत्रों के प्रतिनिधिगण, विभिन्न समाचार चैनल्स के मीडिया प्रोफेशनल्स का मैं एक बार पुनः आयोजन मंडल की ओर से, विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और साथ में आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम को जितना आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुँचाएंगे, उससे COVID-19 की जो चुनौतियाँ हैं, जो जागरूकता है, उसके संबंध में भी समाज को जागरूक करने में हम लोग सफल हो पाएंगे। और चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधि बधाई के पात्र हैं। पूरे देश ने जिस प्रकार से कोरोना वायरस से फैली इस वैश्विक महामारी में जितने मुश्किल हालात से देश को संभाला, और अनवरत रूप से आपकी सेवाएं समाज के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए जारी हैं। आप सभी चिकित्सा पेशे से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे आमंत्रण पर विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधिगण, विश्वविद्यालय के आचार्य गण एवं सभी समाज के प्रतिनिधि हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आप सभी का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमें राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री, जनप्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का आशीर्वचन प्राप्त होगा, और साथ ही चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के सचिव श्रीमान अमित नेगी जी हमारे बीच में उपस्थित होंगे। विश्वविद्यालय ने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले देश के 4 महान चिकित्सा वैज्ञानियों को आज ऑनरेस कोजा DSC की उपाधि से अलंकृत करने का भी निर्णय लिया है। इस क्रम में प्रोफेसर मिश्रा, प्रोफेसर सोधान सिंह, प्रोफेसर DK शर्मा और प्रोफेसर प्रधान को आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से DSC की मानद उपाधि से अलंकृत किया जाएगा। विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति, महान चिकित्सा वैज्ञानिक श्रीमान प्रोफेसर MC पंत जी की स्मृति में प्रोफेसर MC पंत बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड भी मेधावियों को प्रदान किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत 4 मेधावी चयनित हुए हैं। उसमें डॉक्टर प्रेरणा सिंह, डॉक्टर स्मृति, डॉक्टर दीपिका लोहानी और डॉक्टर प्रियंका चौरसिया प्रमुख हैं। डॉक्टर MC पंत हेमवतीनंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति रहे। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में आपने उल्लेखनीय कार्य के लिए आपको पद्मश्री पुरस्कार के साथ साथ कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी आपको सम्मानित किया गया, जिसमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रमुख हैं। आपकी स्मृति में उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशित करने वाले मेधावियों को डॉक्टर MC पंत उत्कृष्ट शोध पत्र पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस क्रम में आज 4 मेधावियों को डॉक्टर MC पंत उत्कृष्ट शोध पत्र पुरस्कार से भी सम्मानित किए जाएंगे। साथ ही वर्ष 2019 एवं 2020 के मेधावियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाने का कार्यक्रम है। आप सभी पत्रकार बंधुओं से, आमंत्रित अतिथियों से, मेधावियों से एवं सभी विश्वविद्यालय के हमारे प्रतिनिधियों, आचार्य गणों से मेरा निवेदन है कि अपने मोबाइल को अनिवार्य रूप से स्विच ऑफ मोड में अवश्य कर लें, जिससे कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न होने पाए। सभी सभाकक्ष में उपस्थित सभी अतिथियों से मेरा पुनः निवेदन है कि अपने मोबाइल हैंडसेट को हम लोग साइलेंट वाइब्रेशन मोड में अनिवार्य रूप से रखें, जिससे किसी प्रकार का कार्यक्रम के दौरान उत्पन्न न होने पाए। कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हम सबके समक्ष पहुंचने वाले हैं। विश्वविद्यालय के कुलसचिव शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जब शोभा यात्रा मुख्य द्वार से सभा कक्ष में प्रवेश करेगी, हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर शोभा यात्रा का अभिनंदन करेंगे, और तब तक अपने स्थान पर खड़े रहेंगे जब तक राष्ट्रगान संपन्न न हो जाए। और शोभा यात्रा के वापसी के क्रम में, विपरीत क्रम में जब रिट्रीट होगा, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय सबसे आगे रहेंगे, उस समय भी हम अपने स्थान पर खड़े रहकर शोभा यात्रा का अभिनंदन करेंगे, अभिवादन करेंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया उचित दूरी एक दूसरे से बनाए रखें, मास्क पहन के रखें, अपने मोबाइल फोन को वाइब्रेशन साइलेंट फ्लाइट मोड में अवश्य कर दें, जिससे किसी प्रकार का व्यवधान कार्यक्रम के दौरान उत्पन्न न होने पाए। मैं एक बार पुनः आप सभी का
आज के इस तृतीय दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, आयोजन मंडल की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कोरोना काल में विश्वविद्यालय ने यह निर्णय लिया कि सिर्फ स्वर्ण पदक विजेता और डॉक्टर MC पंत बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्डीज को ही हमने आमंत्रित किया है। वैसे तो 922 अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान की जाएंगी, लेकिन ये सभी अभ्यर्थी वर्चुअल मोड में अपनी उपाधियों को ऑनलाइन प्राप्त करेंगे। आज सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कुलपति महोदय के कर कमलों से स्वर्ण पदक विजेता मेधावियों को ही आमंत्रित किया गया है। उन्हें स्वर्ण पदक से अलंकृत किए जाने का आज का यह दीक्षांत कार्यक्रम कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने को है। आप सभी से मेरा पुनः निवेदन है कि अपने मोबाइल फोन को अनिवार्य रूप से स्विच ऑफ मोड में, फ्लाइट मोड में अवश्य कर दें, और जैसे ही सभा कक्ष में प्रवेश करेगी, हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर शोभा यात्रा का अभिवादन करेंगे। आप सभी का आज के इस तृतीय दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप UIHMP के डायरेक्टर है ना, चेयरमैन? CIMS हमारे बीच में विश्वविद्यालय के कार्य परिषद के माननीय सदस्य और CIMS तथा UIHMT के चेयरमैन श्रीमान ललित जोशी जी पधार चुके हैं। मैं आपका विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आज के इस तृतीय दीक्षांत समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। विश्वविद्यालय के अकादमिक सदस्य, कार्य परिषद के माननीय सदस्यों, DSC की मान उपाधि से अलंकृत होने वाली मेधा विभूतियों का मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उनका नाम क्या है सयाना जी का? युगल किशोर पंत, डायरेक्टर मेडिकल, इनका पहले ले लेना, IAS है ना, युगल किशोर पंत, पंकज पांडे। युगल की जुगल, युगल किशोर पंत, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, चिकित्सा शिक्षा, इसके ऊपर आ जाएगा सर। श्री पंकज पांडे, प्रभारी सचिव, चिकित्सा शिक्षा। कुलभूमि महान, रोग दूर हो, देह हमारा स्वस्थ शांत हो, यह जग सारा मानव जीवन हमें हो प्यारा, जन जन का हो नित कल्याण, जय कुलभूमि करे जय गान, पीड़ित तन का उपचार, ये हमारा उपकार, रोग मुक्ति जीवन का सार, यही बने जग की पहचान,
उत्तराखंड का हो तुम।
हिमगिरि मंडित पावन भूमि गंगा यमुना सिंचित भूतुं जनमन रंजत निर्मल भूतुं तू हो देव भूमि का मान जय कुल भूमि करे जय गान स्वस्थ रहे तन निर्मल हो मन सबल देह पावन चिंतन सबका हित सो चे हम क्षण क्षण मिले सभी को पावन ज्ञान जय कुल भूमि करे जय गा सारा विश्व हमारा घर हो रोग शोक का कनिक न डर हो देश हमारा सदा अमर हो सदा राष्ट्र का तो सम्मान जयति जयति कुल भूमि महान रोग दूर हो दे हमारा स्वस्थ शांत हो यह जग सारा मानव जीवन हमें हो प्यारा जन-जन का हो नित कल्याण जय कुल भूमि करे जय गान पीड़ित तन का उपचार ये हमारा उपकार रोग मुक्ति जीवन का सार यही बने जग की पहचान जय कुल भूमि करे जय गान जय कुल भूमि करे जय गान जय कुल भूमि करे जय गान कुल भूमि करे जय गान मंगल कारिणी प्रभुहित कारिणी उत्तराखंड का हो तुम मान उत्तराखंड का हो तुम मान हिमगिरि मंडित पावन भूमि गंगा यमुना सिंचित भूतुं जनमन रंजत निर्मल भूतुं तू हो देव भूमि का मान जय कुल भूमि करे जय गान स्वस्थ रहे तन निर्मल हो मन सबल देह पावन चिंतन सबका हित सो चे हम क्षण क्षण मिले सभी को पावन ज्ञान जय कुल भूमि करे जय गान सारा विश्व हमारा घर हो रोग शोक पंत जी दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर आशुतोष सयाना जी हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर प्रदीप भारती गुप्ता जी प्रोफेसर सीएमएस रावत साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं वे मेधावियों को विद्यार्थियों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मैं विश्वविद्यालय के परिवार की ओर से विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के आयोजन मंडल की ओर से माननीय श्रीमान पंकज पांडे जी श्रीमान प्रोफेसर जुगल किशोर पंत जी श्रीमान प्रोफेसर आशुतोष सयाना जी श्रीमान प्रोफेसर प्रदीप भारती गुप्ता जी श्रीमान प्रोफेसर सीएमएस रावत जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारा सौभाग्य है कि विश्वविद्यालय ने इस तृतीय दीक्षांत समारोह में चिकित्सा विज्ञान एवं चिकित्सा सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महान विभूतियों को डीएससी की मानद उपाधि से अलंकृत करने का कार्यक्रम का निर्णय लिया है। इस क्रम में डॉक्टर सुनील प्रधान जी डॉक्टर संजीव मिश्रा जी डॉक्टर प्रोफेसर सौदान सिंह जी एवं डॉक्टर प्रोफेसर डी के शर्मा जी को डीएससी की मानद उपाधि से अलंकृत किए जाने का भी आज कार्यक्रम है। माननीय मुख्य महोदय हम सबके समक्ष फिजिकल रूप से उपस्थित होंगे
लेकिन राज्य के श्री राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की माननीय कुलाधिपति श्रीमती बेबी रानी मौर्य महोदया हम सबको आशीर्वचन प्रदान करने के लिए वर्चुअल मोड में उपस्थित रहेंगी। हमारा सौभाग्य है कि आज इस दीक्षांत समारोह में कोविड 19 की चुनौतियों के बावजूद सीमित संख्या में हमने विद्यार्थियों को आमंत्रित किया है। वर्ष 2019 और 2020 के उपाधि प्राप्तकर्ताओं को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है कि वे अपने स्थान को ग्रहण कर लें। आपके लिए सीट निर्धारित की गई है सभागार में, आप कृपया अपने निर्धारित सीट पर बैठ जाएं और अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ मोड में, साइलेंट मोड में अवश्य कर लें, जिससे कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न होने पाए। मैं एक बार पुनः सभी अतिथियों का, पत्रकार बंधुओं का आज के इस दीक्षांत समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कुछ ही क्षणों में विश्वविद्यालय के कुलसचिव की अगुवाई में शैक्षणिक शोभा यात्रा मुख्य द्वार से प्रवेश करेगी और उस समय हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर शोभा यात्रा का अभिवादन करेंगे, शोभा यात्रा का अभिनंदन करेंगे और तब तक खड़े रहेंगे जब तक राष्ट्रगान संपन्न न हो जाए। आप सभी से पुनः मेरा निवेदन है कि अपने मोबाइल फोन को अनिवार्य रूप से फ्लाइट मोड में अवश्य कर लें। शांत हो यह जग सारा, मानव जीवन हमें हो प्यारा, जन जन का हो नित कल्याण, जय कुल भूमि करे जयगान, पीड़ित तन का उपचार, ये हमारा उपकार, रोग मुक्ति जीवन का सार, ही बने जग की पहचान, जय भूमि करे जय गान, जय कुल भूमि करे जय गान, जय कुल भूमि करे जय गान। कृपया अपनी सीट ऑक्यूपाई कर लें, आपके लिए जो निर्धारित सीट है वहाँ पर बैठ जाएं ताकि आपको सीट खोजने में भगदड़ न करनी पड़े, आपको भागना न पड़े। हमारे छात्र वॉलंटियर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, कल से काफ़ी दिनों से आपकी प्रैक्टिस जारी है। सभी छात्र वॉलंटियर्स हमारे बीच में उपस्थित हैं, सुबह से ही आज काफ़ी प्रैक्टिस उन्होंने कर ली है तो उनके लिए भी सीट निर्धारित है। सब लोग अपनी सीट पर बैठ जाएं, लेकिन मोबाइल फ़ोन ज़रूर स्विच ऑफ कर दें, अपने मोबाइल फ़ोन को ज़रूर बंद कर लें। जो लोग सिस्टम चला रहे हैं वो भी कृपया काम किया स्विच ऑफ कर लीजिए अपने मोबाइल, सब लोग अपने मोबाइल फ़ोन को बंद